मंदिर क्या है? सेंटर ऑफ एनर्जी, वो ऊर्जा का केंद्र है, मन का द्वार हो जिसे कहा गया है मंदिर, वो मन का द्वार है। अगर आप इंटरनल एनर्जी लेना चाहते हैं, आंतरिक शक्ति लेना चाहते हैं, तो मन के द्वार से यानी मंदिर से प्राप्त होती है। वो मंदिर की आवश्यकता ये नहीं है कि वो मंदिर कहाँ पे है, आवश्यक ये है कि मंदिर में क्या सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। जब पुरातन काल में कोई भी मंदिर बनाए जाते थे या कोई भी ऊर्जा केंद्र बनाए जाते थे, तो उनका उद्देश्य ये रहता था कि सर्वप्रथम ये ज्ञात करना कि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी है। उस समय के जो गणितज्ञ होते थे, उस समय के जो मैथमेटिशियन होते थे, वो गणना लगाते थे, उस जगह की गणना लगाते थे, दूरी लगाते थे, चंद्रमा से दूरी ज्ञात की जाती थी, पृथ्वी के केंद्र को समझा जाता था, केंद्र से दूरियां निकाली जाती थी, इस प्रकार वो बनते थे सेंटर ऑफ एनर्जी के पॉइंट, वहाँ एनर्जी होती थी। आज बहुत सारी आप जगह देख लीजिए, ज्वालामुखी अग्नि हमें से निकलती है, बरबूटा पॉइंट जहाँ पे कोई भी प्लेन ऊपर से जाके गायब हो जाता है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल सेंटर ऑफ एनर्जी। पृथ्वी के इस बहुत बड़े स्थान में, बहुत बड़े स्थान में, अनेकों स्थान में एनर्जी है, ऊर्जा है। हमने वहाँ केंद्र बनाया ताकि हम आप जाए, व्यक्ति जाए, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करें। तो उसका उद्देश्य प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? प्राण प्रतिष्ठा इसी जेल की जाती है कि उसमें ऊर्जा समाहित हो जाए, और यदि कोई व्यक्ति जब दर्शन करने आता है, उस क्षेत्र में आता है, तो उसे ऊर्जा का अपने शरीर में, अपने मन में आभास हो, वही मंदिर है। यदि आप ऊर्जा का आभास नहीं लेते, सकारात्मक ऊर्जा आप नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपके मंदिर जाने का कोई उद्देश्य नहीं है, दर्शन उद्देश्य नहीं होता है। हमारा शरीर जो है वो हमेशा लेता और देता रहता है, यही प्रकृति का नियम है, गिव एंड टेक। हम सांस लेते हैं, सांस देते हैं, हम इतनी छोटी सी बात से क्या नहीं समझ पाते हैं? कि सांस से ही समझ लीजिए कि जीवन का उद्देश्य है देना लेना, देना लेना, ले के भी कुछ नहीं हो सकता, दे दे के भी कुछ नहीं हो सकता, देना और लेना ही। चाहे वो कोई भी योगी हो, वो प्रकृति से लेता है, समाज को देता है, तभी ये दुनिया चलती है। मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपको अपने शरीर में ऊर्जा चाहिए, चाहे वो आंतरिक ऊर्जा हो, चाहे वो बाह्य ऊर्जा हो, तो आपको योग बहुत आवश्यक है। और योग के लिए आवश्यक है वो स्थान जहाँ सकारात्मक, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान में आपकी नकारात्मक ऊर्जा निकल सकती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। और जब तक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक नकारात्मक ऊर्जा अपना स्थान छोड़ेगी और वो बाहर नहीं आ पाएगी। सुबह उठने का कारण क्या है, उसका भी कारण यही है। नहाने का कारण क्या है, उसका भी कारण यही है। हम मंदिर जाते हैं, किसी अच्छे स्थान में जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमें आवश्यक है कि हमारे शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो पूरी तरीके से खुले, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रत्येक छिद्र से अंदर जाती है। इसलिए आवश्यक है कि आप नहाए धोए, कपड़े आपके शरीर में कम से कम, ताकि जो ऊर्जा का है वो प्रवेश होता रहे, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर में जाती रहे, और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर से निकलती रहे, यही योग है। आप किसी भी स्थान पर जाएं, सबसे पहले उस स्थान को चुनें जहाँ पे आपको आपके मन में
जो मंदिर में जाने में प्रतीत होता है, जिस मंदिर में जाने में आपको मन में एक अंदर से आत्मा निकलती है, आपकी अंतर आत्मा आपसे बात करती है, वही है सकारात्मक ऊर्जा, वही है योग। जब आप अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे निकालते जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर रख लेंगे, यानी आपका शरीर पूरी रूप से पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, तब आप कहलाते हैं योगी। और वही कहलाता है योगी, अर्थात जोड़ना। आपने अपना शरीर के साथ योग कर लिया, आपने अपने शरीर पर जोड़ लिया, तो आप शरीर के लिए अपने आप के लिए योगी बन चुके हैं। यदि आप समाज के लिए योगी बनना चाहते हैं, यदि आप बाहर लोगों के लिए योगी बनना चाहते हैं, तो आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप वहाँ से भी नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करा दो, सकारात्मक ऊर्जा का चारों ओर प्रवाह हो, तो वही है आपका सामाजिक योग।